now we will focus on nutritious diets what these nutritious diets are and what we can give to our children the following nutrients are important for children bones become stronger with calcium milk yogurt and seeds are rich sources of calcium whereas muscles are built from protein and that could be lean meats eggs cheese etc all contain protein so बल्कि अगर हम उनको एग्स दे सकते हैं उनको वेजिटेबल्स दे सकते हैं दालें दे सकते हैं तो काफ़ी हद तक हम उनकी प्रोटीन की कमी को पूरा कर सकते हैं लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि उनकी मेंटल और फिज़िकल जो ग्रोथ है उसके लिए हम उनको मुनासिब मुनासिबा दें अब इन गज़ाओं को हफ़्तावार शेड्यूल के अंदर तक किया जा सकता है कि कब आपको क्या देना है ज़रूरी नहीं कि हर रोज़ एक ही तरह की झजा दी जाए बल्कि वक्त के साथ साथ बदल के झजाएँ देने से बच्चों की दिलचस्पी भी बरकरार रहती है और उनको मुनासिब इन्ग्रीडियंट भी मिलते रहते हैं याद रहिए रखिए कि कोई भी ऐसी चीज़ जो हम मकदार से ज़्यादा दे देंगे तो वो भी मुनासिब नहीं होगी या आप एक ही वक्त में काफ़ी सारी धजा दे सकते हैं तो वो भी ठीक नहीं बेहतर ये है कि उनको शेड्यूल कर लिया जाए पर वीक मज़ीद हम देखते हैं कि जैसे कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो भी बच्चों के लिए बड़े ज़रूरी हैं वो उनको जो हम जो प्योर जो हमारी वीट है यानी गंदम आजकल जो बाज़ार में वो गंदम इस्तेमाल होती है उसमें बहुत से इंग्रेडिएंट्स नहीं होते तो उनको फुल ग्रेन जो इंग्रेडिएंट है यानी जो देसी गंदम है जो हमारे यहाँ जो वीट हमें डायरेक्टली मिलती है उसको अगर हम पीस के इस्तेमाल करेंगे जिसको हम फुल ग्रेन भी कहते हैं उसमें कभी और भी चीज़ों का जैसे मकई का आटा और, और बाजरे का आटा भी इस्तेमाल इकट्ठा किया जाएगा तो वो रोटी में बेहतरीन गजाई अजनास हो सकते हैं फिर हम देखते हैं कि जो पोटैटोज़ हैं या स्वीट पोटैटो है या एप्पल्स हैं इनके अंदर भी काफ़ी हद तक हम कार्बोहाइड्रेट्स बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं हेल्दी ब्लड इज़ मेड ऑफ आयरन अब देखिए सब अच्छी तरह समझते हैं कि जो खून की कमी है बच्चों के अंदर वो उनकी जहानत पर भी असर डालती है और उनकी जो रोज़मर्रा की सरगर्मियाँ हैं फिज़िकल जो जिसमानी सरगर्मियाँ हैं उन पे भी असर डालता है और सबसे बढ़ के जिस बच्चे के अंदर खून की कमी होती है वो बहुत ज़्यादा बीमारियाँ जो है वो उसको फ़ौरी तौर पर लग जाती हैं और कोई मुदाफ़ियाती निज़ाम उसका ठीक नहीं होता तो आयरन की कमी पूरी करने के लिए हमें उनको ग्रेन्स देने चाहिए दालें देनी चाहिए और सब जो गज़ाएँ हैं स्पिनच है सलाद के पत्ते हैं ब्रोकलाई है ये वो सारी चीज़ें हैं जिनसे उनके अंदर आयरन की कमी पूरी हो सकती है खजूर एक बड़ा अच्छा सोर्स है आयरन की कमी को पूरा करने के लिए खजूर और दूध को अगर हम मिक्स करके दें बच्चों के अंदर तो वो भी बहुत लेकिन आपने जहन में रखना है कि एक हफ्ते के अंदर बच्चा प्रोटीन भी ले बच्चा कार्बोहाइड्रेट भी ले और उसको बाकी ऐसी गज़ाएँ भी जिनके अंदर बहुत से वाइटमिन हैं वाइटमिन बी ट्वेल्व है वो सारे वाइटमिन उनको प्रॉपरली मिलते रहें ये ज़रूरी नहीं कि बहुत महंगा या बहुत बड़ा कोई आपने मेन्यू बनाना है सादा गजाओं को आप तरतीब देंगे एक हफ्ते के अंदर और गजा बच्चे को वक्त पे लेना चाहिए बार बार झजा देना भी ठीक नहीं और इसमें सबसे आपने देखा ये कितने जाई अजनास हमने आपको बताए हैं इसमें हम आपको चिप्स तो नहीं बता रहे चॉकलेट तो नहीं बता रहे या हम ये कह रहे हैं कि बाज़ार से ली हुई चीज़ें जो जो भी उनके गजाई अजनास को पूरा करेंगी ऐसा नहीं है बाज़ार से लेने वाली चीज़ें सिवाय बीमारी में इजाफा करने के और कोई क्योंकि उनमें देखिए उनमें फूड प्रोटेक्टिव्स होते हैं उन्होंने ऐसे आर्टिफिशियल फ्लेवर्स डाले हुए होते हैं जो उसकी ग़ाई जितनी भी कैपेसिटी होती है उसको वो ख़राब कर देते हैं और पीछे वो ऐसा जंक बचता है जो किसी ना किसी ऑर्गन को एक वक्त में ज़रूर ख़राब करेगा तो हमारी कोशिश ये है कि बच्चों को सादा गज़ा दी जाए मुख्तलिफ़ अव में मुख्तलिफ़ाएँ दी जाएँ सब्जी सबसे बेहतर है हल्का फुल्का फल भी बेहतर है दालें बहुत अच्छा सोर्स हैं दालें बदल बदल के उनको दी जा सकती हैं दालों का सूप बना के दिया जा सकता है तो आप सिर्फ जो जो आपकी प्योर ब्रेड है वो भी बच्चे के मैदे के लिए नुकसानदेह है मैंने अर्ज़ किया कि उनको फुल ग्रेन फूड जो है वो देना ज़रूरी है तो ये सारी चीज़ें जो हैं अगर हम बच्चों की शुरू से ही उनको देख लें और उनका ख्याल रख लें तो ये होगा कि आने वाले दिनों दिनों में वो बेहतरीन इंसान बनेंगे मुकम्मल और ज़ाहिर है बहुत सी बीमारियों का सामना भी नहीं करेंगे तो सेहतमंद होंगे सेहतमंद होंगे तो मुआरे के मुफीद रुकन होंगे इसके अलावा भी आप कुछ से भी तहकीक करें कि कहाँ कहाँ पर अच्छे जाई अजनास वाली सस्ती चीज़ें जो हैं वो मुहैया हो सकती हैं